शूटिंग इसकी अबू धाबी, जॉर्जिया और बहुत सारे लोकेशंस में हम करने वाले हैं, और बाकी तैयारी चल रही है, प्री प्रोडक्शन थोड़ा टाइम लगेगा। तो चैप्टर वन जी, चैप्टर क्या? चैप्टर वन इसीलिए क्योंकि ये एशिया भर के जितने भी एशिया की कहानी, बेसिकली एशिया के अंदर जो माफिया उनकी कहानी है, और ये स्पेशली सीरियन माफिया जो आपको अभी शिखर सर ने बताया जो हालात है वहाँ के, उसी बीच से हमारे जो राइटर महोदय हैं उन्होंने एक कहानी निकाली और उस कहानी के हिसाब से उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जो सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि ये कलम उनका है, मुख मेरे हैं सुनाने का, और वैसे ही वो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं उसका निर्देशन करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने। चैप्टर कितने होंगे जी? चैप्टर कितने होंगे ये? बस ये 100 एपिसोड्स हैं, 100 चैप्टर इसके, 100 एपिसोड होंगे, चैप्टर इसके 10 होंगे। सर मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि वो माफिया, मुझे कलर कॉम्बिनेशन अलग लगा, बहुत अच्छा है, लुक अच्छे हैं। अब फिल्म जब जा रही बन रही है तो माफिया अलग अलग जगह की लैंग्वेज को लेके किस तरह, क्योंकि अलग अलग जगह माफिया है, लैंग्वेज अलग होगी। जी जी जी, अच्छा सवाल आपका, बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेजेस जो इसके हैं, ये लैंग्वेजेस हम जिस जगह के लिए बना रहे हैं, जिस हमारा बेसिक लैंग्वेज हमारा हिंदी है, जिस भाषा में, जो कि इसलिए बॉलीवुड से कास्टिंग हुई, लेकिन सारे किरदार जिस जगह के किरदार को प्ले कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी थोड़ा मेहनत और सब चीज़ें। सॉरी मैं इसमें जस्ट वांट टू ऐड, सॉरी आई वांट टू ऐड लिटिल बिट इन दिस। ये जो बोल रहे हैं आप, जब हॉलीवुड की मूवी देखते हैं वो जो हिंदी में डब होती है, तो आप उसमें वो देखते हैं ना, आपकी लैंग्वेज है, तो डजंट मैटर, कैरेक्टर को हमें प्रेजेंट करना है ना, वो कहीं से किसी कंट्री का भी हो। तो ये एक ब्रेक करना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं मोरक्को जब मैं गया था वहाँ देखा वो सास भी बहू देख रहे थे जैसे, पर अपनी लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज, ये है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, नॉट लैंग्वेज। तो उसी लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे, पर लोकल टैलेंट यूज़ करेंगे, उनका लोकल होगा। आप जैसे पर पहरावा और दिखने में हम कोशिश करेंगे कि उनकी तरह दिखें या वो वेशभूषा हम अपना सकें जो वहाँ पहनी जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाषा पर भी थोड़ा हम काम करेंगे, करना ही है उस पर, और उसको एक अलग पहचान देने की जरूर कोशिश करेंगे। पर इतना भी नहीं कि वो हिंदी फिल्म ही नहीं लगे, फिर कुछ और लगने लगे और उसको वापस हिंदी में डब करके लोग देखें। सबसे पहले मैम जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपको बर्थडे है आपका। सर थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। क्या कुछ कहेंगे मैम, आज बर्थडे भी और फिल्म का आगाज भी हो रहा है, आपका कहीं किसका किरदार है आपका? जी सर, पहले तो थैंक यू सो मच विशेस के लिए, आप लोग को भी संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुश हूँ आज क्योंकि साल का पहला महीना है, न्यू ईयर की शुरुआत वैसी हुई है, मतलब साल में आई थिंक मैं पहली बार अभी आई हूँ बॉम्बे इस साल, सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है मेरे बाकी फिल्म से। मैंने बाकी जितने भी साउथ में फिल्म्स की हैं ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। मेरे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं क्यूट, बबली, गर्ल नेक्स्ट डोर, इसमें आप देख रहे हैं लुक से ही थोड़ा अलग, और क्योंकि किंग्स ऑफ माफिया है तो ऑफकोर्स अराउंड माफिया, गैंगस्टर, इसी के आसपास स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं, तो मैं भी आई एम ऑल्सो प्लेइंग वन ऑफ देम। अभी एग्जैक्टली क्या है वो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो मनीष सर ही बताएंगे कि कितना बता सकते हैं, बट सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एक्टर जब आप कुछ अलग करते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, नर्वस होते हैं, तो मैं भी वैसा ही फील कर रही हूँ। आई होप कि आई गिव जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड नर्वस डेफिनेटली हूँ क्योंकि आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद सच अमेजिंग ग्रेट एक्टर्स, तो बट भगवान जी प्लीज़ गिव योर शक्ति, आई डू इट। तो जी सर, फिल्म जो है माफिया पे है, कहीं डायरेक्टर साहब से ऐसा कुछ डिस्कस हुआ कि आप इसमें स्टंट करने वाले, फाइट सीन्स होने वाले इसमें आपसे? सर है कुछ सरप्राइजेस जो आप देखेंगे, तो उस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। फाइट सीन डायरेक्टर के साथ होगा, जैसा सुना है, अगर वैसा नहीं निकला तो बड़े फाइट्स होने वाले हैं। सर बट कुछ है सरप्राइजेस जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो मैं बोल सकती हूँ। तो वीर जी कहीं से इंस्पायर हुई कहानी है, क्या सॉरी इंस्पायर्ड नहीं, क्योंकि बेसिकली गैंगस्टर पे बहुत सारी फिल्म्स मैंने लिखी, फर्स्ट फिल्म जिला गाजियाबाद लिखी, बहुत बड़ी फिल्म थी, तो ये दिमाग में था कि गैंगस्टर आप इंडियंस देखते हैं, इंडियंस माफिया, अभी तक आपने बाहर के माफिया नहीं देखे,
वो एक अलग जॉनर है, अलग ऑरा है, आपको देख के मज़ा आएगा और आप सरप्राइज होंगे इसको देखने के बाद कि भाई हमने कुछ अलग देखा। बाकी तो शेखर सर ने आपको सारा बता ही दिया है। I think I really love the character, but a few things that they are changing, so इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते बिकॉज अभी पहले कुछ different story थी, अभी they keep on changing the drafts, so I think they are still making they are making changes. So I बोलने के शब्द नहीं है क्योंकि मैंने कहा है कि कहानी reveal नहीं करनी है. So in short, I can't reveal the story, so I had to just, you know. इसलिए मैंने सर पहले आपका नाम ले लिया, वो मनीष सर बताएंगे. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.